हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ऑयली स्किन बालों के लिए शहनाज हुसैन की कुछ होममेड नेचुरल टिप्स लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हो ऑयली स्किन वाले इस होममेड नेचुरल टिप्स को फॉलो करेंगे तो उनकी स्किन हाइड्रेट भी होगी, ऑयल फ्री भी होगी और ग्लोइंग भी होगी और गोरी गोरी भी होगी। सो फ्रेंड्स, पहली टिप्स जो है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दिन में 3 से 4 या फिर 3 to 4 टाइम्स अपने फेस को सिर्फ सादे पानी से अगर धोएंगे तो आपकी फेस ठीक रहेगी, ऑयल फ्री रहेगी। और फ्रेंड्स, सेकेंड टिप्स है, अगर आप कुकुम्बर का जूस, सिर्फ कुकुम्बर का जूस अपने फेस पर लगाते हैं, क्लीन फेस पर, तो आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट भी रहेगी और कुकुम्बर की जूस एक टोनर की तरह काम करेगी और इससे आपकी सन टैनिंग नहीं होगी और ऑयल जो ऑयल फ्री भी होगी स्किन और स्किन ग्लो भी करेगी और अगर स्पॉट वगैरह है तो भी वो भी निकल जाएगी। और फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स है, अगर आप पोटैटो का जूस और कुकुम्बर का जूस मिक्स करके लगाते हैं तो आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, स्किन ग्लो भी करेगी, स्पॉट फ्री भी होगी, यानी ब्लेमिशेस होगी अगर वो भी ठीक हो जाएगी और स्किन ग्लो करने के साथ साथ स्किन स्मूथ भी होगी और ऑयल फ्री भी होगी। और फ्रेंड्स, सिर्फ अगर आप पोटैटो जूस भी लगाते हैं अपने स्किन पर तो ये आपके पोटैटो जूस जो है आपके अंडर आई सर्कल्स को भी ठीक करेगी और स्किन से स्पॉट्स भी ठीक करेगी और स्किन को ग्लो देगी और एक चमक देगी स्किन पे, जो कि ऑयली स्किन में होना चाहिए और आप चाहते हैं। और फ्रेंड्स, फोर्थ टिप्स है, अगर आप हनी और लेमन जूस और रोज वाटर और बेसन यानी ग्राम फ्लोर को मिक्स करके एक फेस पैक बनाकर लगाएंगे अपने ऑयली स्किन पर तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी पैक होगी, क्योंकि ये स्किन से ऑयललेस भी कम करेगी और स्किन को क्लीन करेगी, पोर्स को ओपन करेगी और स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, स्किन को हाइड्रेट रखेगी और स्किन को ग्लो भी करेगी। सो फिफ्थ टिप्स है फ्रेंड्स, कर्ड यानी दही और हनी यानी शहद और रोज वाटर को मिक्स करके एक मास्क बना लें और उसी मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं, 10 से 15 मिनट्स रहने दें और फिर उसके बाद अपने फेस को धो लें। इससे आपकी ऑयलनेस जो है कम होगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, मॉइस्चराइज भी होगी और स्मूथ और क्लीन भी होगी। और उसके बाद की टिप्स है, अगर आप सिर्फ बेसन और लेमन जूस और कर्ड को मिक्स करके फेस पैक बनाएंगे तो ये आपके स्किन से स्पॉट्स वगैरह को क्लीन करके आपकी स्किन को एकदम स्मूथ टेक्सचर देगी और ऑयल फ्री स्किन देगी। और उसके बाद है, अगर आप स्किन को लाइटन करना चाहते हैं तो बेसन, हल्दी 2 चुटकी और कर्ड यानी दही और शहद को मिक्स करके फेस पैक बना लें और अपने फेस पर लगाएं और 15 मिनट रहने दें और उसके बाद सादे पानी से धो लें। इससे भी आपकी स्किन ऑयल फ्री होगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी और लाइटन होगी। और उसके बाद है फ्रेंड्स, अगर आप पका हुआ केला को हनी यानी शहद के साथ मिक्स करके पैक लगाएंगे अपने फेस पर तो इससे आपकी फेस एकदम गोरी गोरी होगी और लाइटन होगी, स्पॉट फ्री होगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद है रोज वाटर, बेसन, लेमन का जूस और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके अगर फेस पैक लगाते हैं तो ये फेस को क्लीन करेगी और लाइटन करेगी, स्किन को ब्राइटन करेगी और स्मूथ और क्लियर करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ एलोवेरा की जेल को जो है सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन में अगर लेते हैं स्किन रूटीन में तो सिर्फ उसी की जेल को अपने फेस पर लगाना है और थोड़ा सा जेंटली मसाज करना है और उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है। इससे भी क्या होगा कि आपकी स्किन एकदम ऑयल फ्री होगी, हाइड्रेट होगी और क्लीन होगी, क्लियर होगी और जो पोर्स हैं वो भी खुले रहेंगे और आपकी स्किन स्ट्रक्चर एकदम स्मूथ होगी। और फ्रेंड्स, आप टमाटो फेशियल भी कर सकते हैं अपने फेस पर, सिर्फ हनी और टमाटो जूस
और लेमन जूस को मिक्स करके मिक्सी में पीस ले और फिर उसी को फेस पैक लगा ले, तो उससे आपकी स्किन एकदम दमकेगी, ग्लो करेगी और ऑयल फ्री होगी और स्मूथ टेक्सचर होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स ऑयली स्किन बालों के लिए जो कि होममेड है, नेचुरल है, और अगर आप उसे कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपकी स्किन रियली में लाइटन होगी, ब्राइटन होगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी, स्मूथ होगी, सॉफ्ट भी होगी, सफल भी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड लक।